फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजिस्ट उज़्मा एंड आई एम योर ट्यूटर उज़्मा हियर। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इवोल्यूशन विच इज़ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है ये फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि वेन जब हम कोचिंग कर रहे थे, ठीक है, ड्यूरिंग माई सी एस आई आर प्रिपरेशन, सो दिस टॉपिक वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। सो जब भी इसकी क्लास लगती थी, टीचर समझा रहा होता था एंड आई वॉज सिटिंग एट द बैक साइड एंड कर्सिंग द टीचर कि भाई क्या समझा रहे हैं। सो इट वॉज रियली वेरी चैलेंजिंग। तो उस वक्त तो समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है, बस सीधे ब्लेम कर देते थे कि टीचर अच्छा नहीं समझा रहे हैं। सो एज अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी कॉमन। सो लेटर ऑन बाद में इसको समझा। खैर, उस टाइम तो इस टॉपिक को छोड़ दिया था एंड इट वाज माय गुड लक कि उस टाइम ये टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं पूछा था एंड विदाउट हार्डी विनबर्ग आई क्वालिफाइड माय जेआरएफ। ठीक है, लेकिन बाद में रियलाइज़ किया, ठीक है, बैठ के सोचा कि प्रॉब्लम कहाँ थी, बिकॉज पूरा इवोल्यूशन समझ में आ रहा होता था, सिर्फ यही एक टॉपिक था जिसमें प्रॉब्लम थी। तो लेटर ऑन आफ्टर क्वालिफाइंग माय फर्स्ट जेआरएफ आई स्टडीड दिस टॉपिक। ठीक है, इसको समझा, प्रॉब्लम समझी इसकी एंड उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम दिए, सो नाउ आई हैव टू जेआरएफ एंड वन नेट। ओके, सो उसके बाद सारे क्वेश्चन इसके जब भी आए, सो आई हैव सॉल्व, ठीक है, करेक्ट पूरा आंसर इसका किया है। सो ये इतनी स्टोरी बताने का मेरा सिंपल सा ये सेंस ये था कि गाइस, कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ आपको आ जाएगी, पहली बार में किसी को भी नहीं आती। ठीक है, तो अगर आपको, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर की, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है पहली बार में, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, यू कैन नॉट बी मास्टर। सो आफ्टर क्वालिफाइंग माय टू जेआरएफ, गेटिंग माय टू जेआरएफ एंड वन नेट, इवन नाउ आल्सो आई कैन नॉट से कंसीडर माई सेल्फ एज अ मास्टर ऑफ एनी वन सब्जेक्ट। ठीक है, सो किसी भी सब्जेक्ट का आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज एक्सपर्ट। ठीक है, सो टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, एफर्ट लगाना पड़ता है। सो माई पॉइंट इज सिंपली कि कभी भी अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है ना, तो डायरेक्टली यू डोंट ब्लेम द टीचर और द इंस्टीट्यूशन, पहले आप खुद समझिए। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें यही नहीं पता होता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। भाई समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्यों नहीं समझ आ रहा है, तो वो चीज़ें उन्हें नहीं समझ, वो उनको समझ नहीं आती है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रही है। क्योंकि वंस वो प्रॉब्लम अगर फिगर कर ले ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू स्टडी एनी टॉपिक। सो चीज़ों को समझिए, उसे टाइम दीजिए, तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो एनी हाउ बहुत ज़्यादा मोरल हो गया, सो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक। ठीक है, सो जो इस टॉपिक में जो फॉर मी वॉट एवर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़, जो मुझे प्रॉब्लम आई थी सबसे ज़्यादा, कि क्वेश्चन में कुछ टर्म्स होते थे, ठीक है, जो कि जेनेटिक्स के थे और जेनेटिक्स हमें आती नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे हमने पढ़ा है उस चीज़ वैसे आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि सबसे पहले इसमें कुछ जो टर्म्स हैं ना वो हम समझेंगे, फिर विल कम टू द एक्चुअल हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल और इसके थ्योरी दोनों पे क्वेश्चन आते, एक क्वेश्चन 100% आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कम चांस होता है कि जब ये इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, वरना एक न्यूमेरिकल ज़रूर मिलता है। सो इन दिस वीडियो वी विल सी ओनली द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इन द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो विल सी विल सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, सो इस टॉपिक में जो सबसे पहला टर्म आता है वो होता है आपका जीन और एलएल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, फाइन। तो जीन या एलएल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी तो ये बायोस्टैट्स का टर्म है, स्टैटिस्टिक्स का, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स
कितने टाइम कोई चीज़ प्रेजेंट है वहाँ पे, मतलब जीन या एलिल कितने टाइम प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे जीन या एलिल फ्रीक्वेंसी। अब हम जीन या एलिल क्या चीज़ है उसे हम समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये डीएनए लेते हैं, ठीक है, तो इस डीएनए का वो पार्ट जो कि एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है, या कोई भी आरएनए बनाएगा, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब इस डीएनए का वो पार्ट जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसे हम जीन कहते हैं। तो डीएनए का हर पार्ट जो होता है ना वो जीन नहीं कहलाता, सिर्फ वो पार्ट जो कि ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए बनाए और वो फर्दर प्रोटीन बनाए तो उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई जीन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई प्लांट है, उस प्लांट की हमें हाइट वाले जीन को स्टडी करना है, ठीक है, प्लांट की हाइट स्टडी करनी है। तो हाइट मतलब इसका या तो ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा या इन मीडियम होगा, ऐसी कुछ हाइट होगी आप उस प्लांट की। तो इस हाइट के जीन होंगे यहाँ पे डीएनए पे। तो ये जो हाइट, कोई भी जीन जो होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जीन हमेशा दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये हाइट का जीन हम टी से डिनोट करते हैं तो इस जीन के दो फॉर्म होंगे, एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, ठीक है। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है तो इसे हम कहते हैं एलिल, ठीक है, समझ आ गया एलिल। तो आई थिंक ये कुछ जेनेटिक्स के टर्म हैं, सो बहुत बेसिक टर्म है जो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो जो दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है किसी जीन के उसे हम एलिल कहते हैं। तो ये जीन या एलिल फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कि कितने डिफरेंट टाइप के एलिल या कितने डिफरेंट टाइप के जीन जो है किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन में हम हमेशा पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन हमेशा पॉपुलेशन पे पढ़ा जाता स्टडी किया जाता है, ठीक है, ये कभी भी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे नहीं हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए एक हमें पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है। तो इसको सिंपल सा ऐसे हम समझेंगे, लेट मी शो यू। ओके, तो सपोज कीजिए ये एक एरिया है, ठीक है, दिस इज़ वन एरिया, और यहाँ पे फाइव डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है, फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, और उनका जो एलिल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये नंबर वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, दिस इज़ फोर एंड दिस इज़ फाइव। तो फाइव डिफरेंट टाइप के ये प्लांट है और इनके डिफरेंट एलील्स हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस एरिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी एलील कितना है, मतलब कि कितने कैपिटल टी प्रेजेंट हैं, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला सिंपल सा बनेगा। सबसे पहले तो टोटल कितने एलील हैं, ठीक है, मतलब ये इस एरिया में टोटल कितने एलिल हैं, तो आप इंडिविजुअली काउंट करेंगे, क्योंकि एलिल मतलब ये सिंगल सिंगल हैं तो उनको एलिल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो टोटल एलिल आपके जो है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रिक्वेंसी ऑफ टी इज़ इक्वल टू, ये टोटल एलिल टेन है। अब उसमें हमें टी एलिल की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे जो कैपिटल टी है उसको काउंट कीजिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके, तो यहाँ पे सिक्स है, मतलब नंबर ऑफ कैपिटल टी एलिल, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका आंसर 0.6 आ जाएगा, मतलब कैपिटल टी जो है आपका 0.6 है इसकी फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली हम डेसिमल में ही निकालते हैं, तो अब अगर आपको स्मॉल टी की निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, जैसे ये कैपिटल टी है प्लस स्मॉल टी
इज़ इक्वल टू वन। तो अगर कैपिटल टी आपका 0.6 है तो आपका स्मॉल टी क्या हो जाएगा, वन माइनस 0.6 इज़ इक्वल टू 0.4। तो एक भी अगर आप ऐसे निकाल लेंगे तो दूसरा अपने आप माइनस करके निकल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हार्डी विनबर्ग ने इसका फॉर्मूला कैसा बनाया था वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ओके, सो ये जो एक एलिल है आपका टी, तो हार्डी विनबर्ग ने इनको इसको बोला कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है हम पी मान लेते हैं, तो स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी हमने क्यू मान ली। कुछ भी मान सकते हैं आप, किसी को भी पी किसी को भी क्यू, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो फॉर्मूला ये बनता है कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला बनता है कब, जब आपको क्वेश्चन में जीन या फिर एलिल फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला जाए तो ये फार्मूला बनेगा। तो अगर उन्होंने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ वन एलएल इज 0.6, सो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर एलएल, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन, तो सिंपल सा फंडा है, आप वन में से माइनस कर देंगे जो भी वैल्यू दी है। तो बस आपको क्वेश्चन में ये रिकग्नाइज करना है कि वहाँ पर जीन एलएल फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी या एलएल फ्रीक्वेंसी दी है या कुछ और दिया है। तो इस पूरे जो कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए कि जीन फ्रीक्वेंसी दी है या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे जीनोटाइप, कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। सो नाउ विल सी व्हाट इज़ जीनोटाइप, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। एक और टर्म होता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं फीनोटाइप। सो जब भी हम कहते हैं कि भाई प्लांट की हाइट जो है वो टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है, तो ये क्या है, ये कैरेक्टर है जो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, फाइन, जो हमें दिख रहा है, तो उसी को हम कहते हैं फीनोटाइप, ठीक है। अब ये फीनोटाइप कैसे बनता है, ठीक है, तो अभी हमने एलिल बताया था कि दो डिफरेंट टाइप के एलिल हैं आपके, दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। तो हम बोलते हैं कि ये जो है टॉल को डिनोट करता है एंड द स्मॉल टी डिनोट्स द ड्वार्फ, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन कभी भी ये एलिल अकेला जो है टॉल या ड्वार्फ नहीं बना सकता, ठीक है, इट हैज़ टू कंबाइन, बिकॉज वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, राइट, वी आर नॉट हैप्लॉयड, सो वी नीड टू गैमेट्स, मतलब दो एलेल होने चाहिए तभी जो है हमें एक कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। सो उसी को हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप का मतलब कि जब ये दो डिफरेंट एलेल जो होंगे ना एक साथ आएंगे, ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो वो फिर हमें एक कैरेक्टर देंगे, ठीक है, जो हमें दिखता है एक्चुअल में फीनोटाइप। क्योंकि हमने डीएनए पे हमने नहीं देखा है कि भाई ये डीएनए पे टी और ऐसा कुछ टी सा लिखा हुआ है, वी डोंट नो, ठीक है, और डीएनए पे ऐसा कुछ लिखा होता भी नहीं है, ठीक है, ये तो हमने अपने स्टडी पर्पज़ के लिए एक हाइपोथेटिकल ये डिज़ाइन ऐसा बना लिया है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या दिखता है कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है, या मीडियम साइज़ का है, तो उसके बेसिस पे हम ऐसा मानते हैं कि अच्छा टॉल है मतलब उसमें दो कैपिटल टी होंगे, ड्वार्फ है मतलब उसमें दो स्मॉल टी होंगे। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एलेल होते हैं, दो डिफरेंट एलेल कंबाइन होते हैं, तब जाके हमें जीनोटाइप मिलता है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एलेल फ्रीक्वेंसी का तो आपने सिंपल सा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन बना दिया था। अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला समझने के लिए हम जाएंगे पनेट स्क्वायर पे, वो बनाएंगे एंड देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके गाइस, सो पनेट स्क्वायर बनाने के लिए सिंपल सा है कि यहाँ पे हमने अपना फीमेल और एक मेल दोनों गैमेट ले लिए, ठीक है, यहाँ पे आपने टी ले लिया, यहाँ स्मॉल टी, अगेन यहाँ टी और यहाँ स्मॉल टी ले लिया, ठीक है,
सो ये आप बनाएंगे, तो जब ये कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी के साथ कंबाइन होगा तो एक ये जीनोटाइप बनेगा, फिर इसको इसके साथ आप कंबाइन करेंगे, ठीक है। सो आई होप ओके, ठीक है। तो आपका ये टी और स्मॉल टी बनेगा, फिर इसको कंबाइन कीजिए आप टी और टी, फिर ये और ये कंबाइन होगा तो ये और ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपको कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं जीनो टाइप के, ठीक है। तो ये तो अब यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे अपना। एक टी को हमने पी माना था, तो दो टी मतलब दो पी, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। उसी तरीके से आपका एक स्मॉल टी को आपने क्यू माना था, तो दो स्मॉल टी मतलब क्यू इंटू क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर हो गया। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये पी एन क्यू, इसी तरह ये भी पी एन क्यू, तो दो पी क्यू हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो हमारा जो जीनो टाइप का फॉर्मूला बनेगा, जब भी क्वेश्चन में आपका जीनो टाइप दिया हो, ठीक है, तो उस टाइम जो फॉर्मूला बनता है आपका वो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू वन। एक फार्मूला ये बनता है। दूसरा, अगर इसी ये सिंपल सा मैथ्स का फार्मूला है कि ए प्लस बी आप होल स्क्वायर को आप अगर अलाउ मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आपका फार्मूला ऐसा भी बन सकता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज़ इक्वल टू वन। ये आपको क्लियर हुआ? तो ये दो फार्मूले, तो अब हम इस दो फार्मूले को समझते हैं। मेन हमारा ये फार्मूला है जिसे हमें समझना है, टू पी क्यू इज इक्वल टू वन। तो इस फार्मूले में आपको समझ क्या आ रहा है, इसमें सिंपल सा अगर आप इस पनट स्क्वायर में देखें, तो ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है जो कोई टॉल को डिनोट करता है, तो ये क्या, पहली चीज़ तो ये होमोजाइगस है क्योंकि दोनों सेम एलएल हैं, और इसको टॉल को हमने डोमिनेंट मान लिया है। तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसा दे देगा कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट जीन ऐसा कुछ दे सकता है, ठीक है, तो ऐसा भी वर्ड आएगा आपको। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है, ठीक है। दूसरा है ये, अगर हम ड्वार्फ को हम जो है वो मानते हैं कि ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो अगेन ये भी होमोजाइगस है। तो जो ये क्यू स्क्वायर है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो जो नेक्स्ट आपका है ये टू पी क्यू क्या है, ठीक है। तो टू पी क्यू जो है आपका वो हेट्रोजाइगोट है, ठीक है। जो ये आपने टी टी निकाला है ना, ये हेट्रोजाइगोट है। तो बहुत से टाइम आपको क्वेश्चन यही पूछता है कि होमोजाइगोट डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी इतनी है या होमोजाइगोट रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो आप हेट्रोजाइगोट निकालिए, ठीक है, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी आप बताइए। तो वील सी दैट, ठीक है। बट आपको आई होप कि ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा कि जीनो टाइप क्या होता है, जीनो टाइप फ्रीक्वेंसी क्या है और जीन फ्रीक्वेंसी क्या है। जब भी जीनो टाइप बोलेगा आपको ये स्क्वायर में लेना है, ठीक है, या फिर ये वाला फार्मूला लगाना। जीनो टाइप फ्रिक्वेंसी से आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगोट की फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी जीन फ्रिक्वेंसी या एलएल फ्रिक्वेंसी पूछेगा तो वहाँ पे आपको सिंपल सा ये पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन वाला फार्मूला लगाना। यहाँ पे आप होमो या हेट्रोजाइगोट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वील सी दी एक्चुअल प्रिंसिपल, कि जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, ठीक है। ओके, सो जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें रैंडम मेटिंग है,
ठीक है, मतलब हर मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ इक्वल चांस है कि वो मेट कर सकता है। तो ऐसी कोई पॉपुलेशन है जहाँ पे रैंडम मेटिंग हो रही हो, तो वहाँ पे उस पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी या एलील फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अनचेंज होगी, मतलब सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी उस पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, और वो पॉपुलेशन जो है आपकी उसमें अगर मेटिंग करवा रहे हैं आप, तो उस पॉपुलेशन का जो जस्ट अ मिनट, ओके नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग, कि कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें रैंडम मेटिंग हो रही है, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसी है या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज रहेगी, ठीक है। इसी को हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं, और वो पॉपुलेशन जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है उसे हम बोलते हैं कि वो पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक इन्होंने रिलेशन बताया है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी का, कि इसमें ये बता रहा है कि अगर किसी एक भी एलील या जीन की फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं तो दूसरी अपने आप घट जाएगी, ठीक है। बस एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों जो होती हैं सेम होती हैं, ठीक है, बाकी हर जगह पे क्या होगा आप देख सकते हैं, अगर एक बहुत ज़्यादा है तो दूसरी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये इसमें बताना चाह रहा है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, दैट इज अजम्पशन ऑफ हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कि किसी पॉपुलेशन को अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है, या कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग में है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहली कि इट शुड बी पैनमिक्टिक पॉपुलेशन, मतलब रैंडम मेटिंग बहुत कंपल्शन है, ठीक है, और वो पॉपुलेशन जो होनी चाहिए इट शुड बी इफेक्टिवली लार्ज या इनफ लार्ज, मतलब वो स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी होगी तो अगेन वहाँ पे रैंडम मेटिंग नहीं होगी, बहुत स्मॉल होगी तो उसमें क्या होगा कि फिर आपके कोई इवोल्यूशनरी फोर्सेस लाइक आपका नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, ये सारे जो फोर्सेस हैं ये लग सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत जो आपका जीन फ्रीक्वेंसी है या एलील फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अजम्पशन आपको पता होना चाहिए। अब एक स्पॉइलर है इस पूरे वीडियो का, कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी कि भाई जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है हार्डी विनबर्ग में, तो स्पॉइलर ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, नेचर में ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इफ़ यू कंसीडर ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में जो है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में होना उस पॉपुलेशन का पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमन, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, वी हैव द फ्री विल, तो हम अपना कोई भी मेट चूज़ कर सकते हैं और कोई भी किसी के साथ भी मेटिंग कर सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, इट्स डेफिनेटली वहाँ पे जीन फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कब चेंज नहीं होगी, जब कोई एक एक एरिया के पर्सन सिर्फ आपस में ही मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, ये इस एरिया से बाहर ना जाए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वी इवन गो फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, इवन फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है, तो चेंज होती है पॉप। तो फिर हम जो है हार्डी विनबर्ग को क्यों स्टडी करते हैं, जब ये इतनी आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जब इसका प्रैक्टिकल कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इस पॉपुलेशन को हम एक मॉडल, एक रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं, और उस रेफरेंस को लेके हम फिर जो है किसी भी पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर अगर जेनेटिक डिजीज़ है उस पॉपुलेशन में अचानक से आ गई तो वो कैसे आई, तो इसको रेफरेंस मान के हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का ये एप्लीकेशन है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस वीडियो में विल सी वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन।
ठीक है, जो कि आपका 2019 में आया हुआ है, ठीक है, जून 2019 में। तो ये बोल रहा है कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन इफ सर्टेन अजम्पशंस आर मेड। तो अब ये अजम्पशंस दिए हैं, इसमें से कौन से सही हैं उसको आपको यहाँ पे टिक करना है। तो रैंडम मेटिंग 100%, तो जहाँ जहाँ ए है वो तो आपका ऑप्शन हो गई, तो 2 और 4 पहले कट हो गया। फिर आपका था मेड चॉइस की कोई हमने बात नहीं की है, ठीक है, तो स्मॉल पॉपुलेशन साइज नहीं, अगर स्मॉल होगा तो आपके इवोल्यूशनरी फोर्स लगेंगे, लार्ज नहीं होना चाहिए बट इफेक्टिवली लार्ज होना चाहिए, बट हम कंसीडर कर सकते हैं इसको लार्ज पॉपुलेशन साइज यहाँ के अकॉर्डिंग। तो जस्ट अ मिनट, ओके लेट मी, ठीक है, लैक ऑफ म्यूटेशन ई तो होना ही चाहिए आपका। तो अगर आप ई देखते हैं तो इस एक ऑप्शन में आ रहा है आपका, और डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ठीक है लार्ज पॉपुलेशन आप नहीं लेंगे, स्मॉल पॉपुलेशन ले सकते हैं बट इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये बहुत स्मॉल होगी तो अगेन आपका बहुत सारे इवोल्यूशनरी फोर्स लगेंगे। तो उस हिसाब से आपका आंसर ए सी और ई आना चाहिए, मतलब थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर भी आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर कोई और आंसर होता है इसका तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप दिस बाय दिस वीडियो आपको ये एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वील सी द न्यूमेरिकल। सो थैंक यू सो मच।